अवैध रूप से की जा रही गैस रिफिलिंग के कारोबार पर एसडीएम फतेहाबाद ने छापामार कार्यवाही की। इस दौरान काफी मात्रा में अवैध एलपीजी सिलेंडरों का जाखिरा पकड़ा गया। मामला थाना शमशाबाद क्षेत्र धमेना रोड का है। शमशाबाद क्षेत्र के धमेना रोड पर आबादी वाले क्षेत्र में चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग अड्डे पर बुधवार को एसडीएम फतेहाबाद ने छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई में एसडीएम ने रिफिलिंग सेंटर से करीब 51 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर और रिफिलिंग करने के उपकरण भी बरामद किए हैं। एसडीएम फतेहाबाद ने बताया कि जनसुनवाई में मिली समस्त शिकायत के आधार पर छापेमार कार्रवाई की गई, तो शमशाबाद के धमेना रोड पर अवैध रूप से टेम्पो और चार पहिया वाहनों में गैस रिफिलिंग होते हुई पाई गई। इस दौरान मौके से 51 घरेलू एलपीजी सिलेंडर और गैस रिफिलिंग के उपकरण और दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। आज मैं जनसुनवाई में शिकायत आ गई, उसी शिकायत के वो आबादी लोग शिकायत करती है कि कुछ बदबू आ रही, सिलेंडर भर रहे, उसके पहले भी दो बार आग लगी उसमें। इसके लिए मैं जांच करने के लिए सीधे आ गई, जो 55 सिलेंडर पकड़े। उसमें अब भी शमशाबाद सप्लाई इंस्पेक्टर दोनों को भी मौके पर बुला ली, उन लोग भी खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं भी भेज दी। इसके अलावा छापामार कार्रवाई में बरामद सामान को कब्जे में लेकर आपूर्ति विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि अन्य क्षेत्रों पर चल रहे अवैध गैस सर्विस सेंटर पर जल्द ही छापेमार कार्रवाई की जाएगी। सी न्यूज के लिए श्यामवीर सिंह के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट।